आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारा ये छठा दिन है ना, और हम बात कर रहे हैं वी लुकअप के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वी लुकअप, क्योंकि वी लुकअप हम यूज करते हैं ऑफिस में सबसे ज्यादा। अब मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? इसके पीछे रीजन ये है कि इसको हम बोलते हैं लुकअप मेथड। वी लुकअप सिर्फ वी लुकअप नहीं होता है, होता है लुकअप मेथड। लुकअप मेथड मतलब आपका जो मान लीजिए आप बैंक पे जाते हैं अपना पैसा जमा कराने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपका अकाउंट नंबर। लाखों करोड़ों के डेटा में से आपकी अकाउंट नंबर के बिहाफ पे आपका पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। समझ लीजिए, अगर सिस्टम ऐसा ना हो कि आपको ढूंढना, सब उसको आपका नाम ढूंढना पड़े, तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हैंडल करना। अब मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह की कुछ डायरीज है और मेरे पास एक डेटा है, मुझे इस आईडी के बिहाव पर से इस डेटा में से पूरी डेटा लेनी है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले 110 को ढूंढूंगा कंट्रोल ऐप की मदद से, मुझे मिल जाएगा, फिर पूरी रो को कॉपी करूंगा और कॉपी करके फिर यहाँ पे ले जाके पेस्ट करूंगा। अब 2-4-5 है तो 2-4-5 मिनट लगेगा और हो जाएगा, लेकिन जब ये डेटा हजारों लाखों में होगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। यही पे हमारा वी लुकअप सपोर्ट करता है। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। तो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला वी लुकअप और सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू, सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू, और फिर हम जाते हैं टेबल एरे, मतलब कि अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं डेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि स्पेशल रूल कहता है कि एक सेल में किसी एक ही सेल की वैल्यू को लुकअप की जा सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 100 है और 100 के बिहाव पे मुझे डेट लेना है, तो डेट दूसरे कॉलम में है, तो पहला और दूसरा आपका कॉलम नंबर देना है और यहाँ पे कॉमा जीरो कर देना, 0 for false, मतलब कि एग्जैक्ट मैच। आप फॉल्स जीरो के जगह पे फॉल्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट आ गया। तो इसने 110 का डेट को लुकअप किया है। फिर ऑर्डर वैल्यू के लिए फिर आपको वापस सेम वी लुकअप लगाना होगा। डेटा में जाएंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कॉमा सॉरी, इसमें आप ऑर्डर वैल्यू चाहिए तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा डालना होगा, फिर कॉमा जीरो, तो तीसरा मतलब ऑर्डर वैल्यू निकाल के दे दिया। किसका? 110 का। कल के डेट में चेंज होता है 115 होता है, तो एंटर प्रेस करते ही रिजल्ट अपने आप को चेंज कर लेता है। फिर वापस हम वी लुकअप में आते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं अपनी ए वैल्यू A2, और फिर डेटा के अंदर जाते हैं, डेटा को सेलेक्ट करते हैं एंड कॉमा पहला दूसरा तीसरा, अब आ गई चौथा सेल्स वैल्यू, तो चौथे पे हम डालेंगे कॉमा जीरो करेंगे, रिजल्ट आ गई आपके सामने 8.63। फिर आता है सोल्ड बाय, तो मुझे सोल्ड बाई चाहिए, तो मैं यहाँ वापस वी लुकअप लगाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा आईडी को और वापस जाऊंगा डेटा में अंदर, डेटा को सेलेक्ट करूंगा एंड कॉमा, ये आगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब कि पांचवा दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरे पास तो ऐसे 30-40 से ऊपर जो है डेटा है, तो मैं वी लुकअप करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे करूंगा भी तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, तो आप ड्रैग कर सकते हो। लेकिन ड्रैग ऐसे किसी फॉर्मूला को आप नहीं कर सकते हैं, ड्रैग करने के लिए आपको फ्रीज करना होगा। तो यहाँ हम A2 का A फ्रीज कर देते हैं और फिर A से M को फ्रीज करते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, सब में 50-50-50 आ रहा है। रीजन यही है क्योंकि फॉर्मूला ड्रैग हुआ है, लेकिन सबका जो 5 था वो तो जैसा का तैसा रह गया ना। अब 5 की जगह पे आप यहाँ पे 6 कर दें, यहाँ पे आप 7 कर दें, यहाँ पे आप 8 कर दें, यहाँ पे आप 9 कर दें, मतलब कि सॉल्यूशन तो हुआ लेकिन अभी भी संतुष्टिजनक सॉल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी भी मुझे सब में जाके कॉलम नंबर डालने पड़ रहे हैं, तो कॉलम नंबर मुझे बार बार डालने पड़ रहे हैं।
इसका कोई सॉल्यूशन? हाँ, इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं कि वी लुकअप लगाते समय आपके जो ये है कॉलम के जो नंबर्स है वो ना डालने पड़े, इससे कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक रो को इंसर्ट कर दो और मैनुअली जो कॉलम नंबर आपका है जिस सीक्वेंस में आपके अंदर डेटा के अंदर उस सीक्वेंस में आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया। अब मैं वी लुकअप लगाते समय जहाँ पे मैनुअली हमने 2, 3, 4, 5 सेलेक्ट किया है कॉलम के लिए, उसके जगह पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम लगाते हैं वी लुकअप, सेलेक्ट करते हैं इसको कॉमा, टेबल एरे पे जाते हैं, अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं एंड कॉमा, ये देखिए हम यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ऐसे काउंट नहीं करते हैं, सीधे चले आते हैं अपने वी लुकअप वाले डेटा पे, सॉरी वी लुकअप वाले डेटा पे, और इस 2 को सिलेक्ट करके कॉमा 0 कर देते हैं। मैं दोबारा बताता हूं मैंने कैसे किया। मैं यहां पे लगाऊंगा वी लुकअप का फॉर्मूला, सेलेक्ट करूंगा लुकअप वैल्यू भी किसको ढूंढना है, फिर किस में ढूंढना है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आईडी को ढूंढ रहा हूँ, लुकअप वैल्यू हमारी आईडी है, तो यहाँ भी आईडी ही सिलेक्ट करना है, आईडी से ही सिलेक्शन शुरू करना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आईडी है उसको पहले कॉलम में ही ढूंढता है। और यहाँ पे हम कॉमा न करके यहाँ पे आते वापस वी लुकअप में, इसको सिलेक्ट करके कॉमा फॉल्स कर दीजिए या 0 कर दीजिए, क्योंकि एक्सेल में 0 = false और 1 = true होता है। अब आगे ड्रैग करना है तो हमें फ्रीज करना, और ए के जगह पे हम डॉलर को फ्रीज करते हैं ताकि ए बी ना बन जाए, फिर इसको हम फ्रीज करते हैं और A1 वी लुकअप में B1 का हम 1 फ्रीज करते हैं और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आ गया। इस तरह से आप ला सकते हैं, सॉरी ये डेट में आ गया, इसको नंबर करना। जो देखिए डॉलर का कंसेप्ट एक आता है कि आप एक बार ड्रैग करके देख लो कौन कौन से बढ़ रहे हैं, जो कौन नहीं बढ़ने चाहिए या कौन बढ़ने चाहिए, तो आगे ही डॉलर लगता है। कॉलम का करना है तो कॉलम का आगे, रो का करना है तो रो के आगे। आगे डॉलर लगाते हैं ऐसा है ना? ओके हमको जो शीट में से लुकअप करना है तो उसमें नीचे वाला जो डेटा है मैं उसे सिलेक्ट बताता कर हूँ, दूंगा अभी आप। भी लुकअप खत्म नहीं हुआ है, बुकी लुकअप खत्म होने दीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो आप पूछने वाले हो हाँ सारे टॉपिक में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो तसल्ली से पहले देखिए, फिर आपको पूरा टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने का। सर, एक्चुअली वीलुकअप का मतलब ये होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना डाटा में से। जी हाँ बिल्कुल सही, जैसे अकाउंट बैंक में अकाउंट में अकाउंट बैंकर को जाता है अकाउंट नंबर देते हैं और ढूंढ के निकाल देता है ना सर, हाँ, अब जैसे उसे इसमें हमने B1 में से दिया है B1,0, तो व्हाट इंडिकेट सर इसका, कुछ थोड़ा सा क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे इसमें आप ये। हाँ सर एक कॉलम नंबर है, आप लेट आए हैं शायद, मैं शुरू में बता चुका हूँ। ये क्या होता है कि आपने आपने ए से एम में ढूंढा, जैसे मान लीजिए 115 को ढूंढा, तो 115 ए से एम कितने सर 13 कॉलन आ गए ना। हाँ अब 13 समझ कॉलन गए, की डेटा यहाँ तो नहीं शो करेगा ना, हाँ नहीं तो करेगा। किस कॉलन का डेटा शो करना चाहते हो उसका कॉलम नंबर होता अच्छा है। ठीक है ना, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़े। अब बात आती ओके है वी लुकअप में एरे का इस्तेमाल कर। देखिए मुझसे आज से तकरीबन 12 या 13 साल पहले मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, जी हाँ कंपनी में इंटरव्यू तो मैं अभी भी देता हूँ ताकि पता चलता है कंपनी में क्या चल रहा है, क्या क्या डिमांड्स है। तो एक एजिस नाम की कंपनी थी 13 साल पहले, उस समय जॉब ही करता था मैं, जॉब और ट्रेनिंग दोनों साथ में चलती थी हमारी। तो उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल, बोला कि अगर तुम इसका जवाब दे देते हो, क्योंकि उस समय था 2003 का एक सवाल ये था कि आपको वी लुकअप लगा के मुझे पूरा डेटा को लुकअप करना है और आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, कोई ड्रैग श्रैग कोई फ्रीज व्रीज नहीं करना, अप्लाई द सिंगल फॉर्मूला विदाउट द ड्रैगिंग कॉपी पेस्ट एंड विदाउट द यूजिंग द एब्सोल्यूट मतलब कि डॉलर साइन, आपको एक बार में पूरी की पूरी रिजल्ट लेके आना। मैंने थोड़ा देर सोचा, सोच के बोला ये कौन सी बड़ी बात है, हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया डेटा
डेटा में गए, लेकिन उससे पहले पूरा कॉलर नंबर का हिसाब रख लिया मैंने कि कौन कौन कॉलर नंबर चाहिए हमें। डेटा को सेलेक्ट किया, कॉमा किया, करली ब्रैकेट में हमने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक कॉलम नंबर से हमने सीक्वेंस में लिखा, क्योंकि हमारा सीक्वेंस में है, आप अपने हिसाब से यहाँ कॉलम नंबर देंगे। जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में हो, आपका जो हेडिंग का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ अपने सारे कॉलम नंबर इकट्ठा दे दीजिए और कॉमा जीरो कीजिए। अब देखिए मैं एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करते ही देखिए सारे फॉर्मूले यहाँ पे बन गए, बन गए सर। अब होता क्या है, मैंने ये चीज हुआ कैसे, देखिए क्या होता है कि आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैनुअली लिख सकते हो, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कर दीजिए और यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, तो एरे ऑटोमेटिकली उसको इसको 1 दे देगा, इसको 2 दे देगा, इसको 3 दे देगा, सीक्वेंस के हिसाब से 4 दे देगा। तो सेम यहाँ वी लुकअप में भी हुआ कि इसने इसको 1 मिल 2 मिल गया, इसको 3 मिल गया, इसको 4 मिल गया, रिजल्ट आ गया। चलिए इसको एक बार और समझाते हैं। देखिए अगर आप 2007, 2010, 2013 जैसे पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को लगाने का एक तरीका है। क्या तरीका है, सबसे पहले आपको अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि आपका फॉर्मूला जो रिजल्ट देगा वो कितने कॉलम्स या रोज में देगा, उसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद लगाएं वी लुकअप फॉर्मूला, सेलेक्ट करें, टेबल में जाए, टेबल में जाने के बाद हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमने देखे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ पे 0 दे दिया एग्जैक्ट मैच करने का। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये किस किन के लिए है, जिनके पास पुराना एक्सेल का वर्जन है, जो लेटेस्ट यूज कर रहे हैं 16, 19, 21, उस वो सिर्फ एंटर प्रेस करे, एरे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जीरो के जगह पे 1 लगाए तो डिफरेंस होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, ओके सर, आगे चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब बारी आती है कि मेरे पास कुछ हेडिंग्स है, मतलब कि मेरे हेडिंग सीक्वेंस में नहीं है, वो बढ़ते घटते रहते हैं, समझ गए, कि कभी यहाँ जोन हो जाता है तो कभी यहाँ पे सोल्ड वैल्यू हो जाती है, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे वैल्यू, तो मुझे बार बार फॉर्मूला लगाना। जैसे मान लीजिए मैंने स्टॉक उठा के अगर डेट पे जोन दे दिया तो मुझे फॉर्मूला को में जाके चेंज करने पड़ेंगे ना, जोन के हिसाब से कॉलम नंबर देना पड़ेंगे ना सर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप आ गया, मैं काउंट साउंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिकली जोन को ले और डेटा में जाए और जोन को रिकॉग्नाइज करे और उसके हिसाब से वी लुकअप दे दे, हमें लुकअप दे दे। जी ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला और जानना होगा, वो है मैच का। मैच फॉर्मूला किसी भी सेल वैल्यू को किसी रो या कॉलम में ढूंढता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रो सेलेक्ट कर लिया, तो इस रो में उसने ढूंढना और इसको भी एग्जैक्ट मैच करना है, तो हमने 0 दे दिया, एग्जैक्ट मैच हो गया, और ढूंढ के बताता है उसका कॉलम नंबर। उसे बताया कि जो जोन है वो 13 नंबर पे, उसने यहाँ से काउंटिंग शुरू किया और बताया कि 13 नंबर पे आपका जोन है और इसने 13 नंबर दे दिया। अगर मैं ये डिस्काउंट के लगाऊंगा सेम फॉर्मूला तो डिस्काउंट का देखेंगे कि डिस्काउंट का जो कॉलम नंबर है वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि 6 मिल गया। तो वी लुकअप में हम यही तो चाहिए हमें 6,
और ऑटोमेटिक मुझे मिल रहा है, तो मैं वी लुकअप में मैच का यूज कर लूंगा। वी लुकअप लेते हैं जोन फाइंड आउट करना है क्या, तो जो 30 वहां पे आ गया लिख के ना कि ये 30। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला था कि टॉपिक पूरा होने दीजिए, टॉपिक के बाद में आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो तसल्ली से समझिए, ठीक है ना, जो मैं समझा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आपके मन में क्या आ रहा है ना उसको अगर है तो आप नोटबुक पे नोट कर लीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा पूछने का। और मुझे लगता है कि क्लास खत्म होने तक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। और फिर यहाँ पे आता हूँ मैं, मैच को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैच को सेलेक्ट करके कॉमा जीरो कर दिया, तो ये आ गया, बेस्ट आ गया। तो मैच फॉर्मूला को हम डायरेक्ट वी लुकअप के अंदर भी मर्ज कर देते हैं, जहाँ वी लुकअप और वी टेन दिख रहा है उस पे लिए और इसको हमने मर्ज कर दिया, मर्ज किया और हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया, बेस्ट तो मैच का मतलब समझ नहीं आया आपको। मैच फॉर्मूला किसी भी सेल वैल्यू को ढूंढ के बताता है कि रो एंड कॉलम ढूंढता है, सिंपल समझ जाइए। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि 113 नंबर है या नहीं है, तो वी लुकअप लगाएंगे तो वी लुकअप किसी सेल की वैल्यू शो करता है ना, मुझे किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे पता करना है कि 13 नंबर है या नहीं है। तो यहाँ मैच जो है इसे लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम कॉलन को सेलेक्ट करके कॉमा जीरो कर देंगे, तो 15 आया। ये 15 क्या आया, 113 का पोजीशन रो में, इसने काउंट करना शुरू किया और उसको 113 मिल गया और 113 जो है 15 नंबर रो पे है, 15 नंबर काउंट पे है, 1 2 3 4 करके बताया 15 नंबर पे है। दीदी आपने पूरी टेबल दी होती तो ए से लेके एम तक की, ए से लेके एम तक की नहीं दे सकते, इसको आपको एक रो या एक कॉलम देना होता है, क्योंकि एक ही रो ये जिससे डेटा लुकअप कर रहा है, समझ आया आपको? ठीक है सर, जी सर ठीक है। हाँ मैं वही गलती कर रहा था, पूरी तो कॉलम का नंबर देता, अगर रो देता तो रो का नंबर देता, इसमें हम पूरा डेटा नहीं देंगे क्योंकि ये कोई डेटा लुकअप करके नहीं दे रहा है। वी लुकअप इसलिए देते क्योंकि मुझे अलग अलग कॉलम की डेटा चाहिए, मैच में हमें अलग अलग कॉलम की डेटा नहीं चाहिए, इसलिए मैच की इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां मैं वी लुकअप और मैच को जो इकट्ठा किया, तो वी लुकअप ने क्या किया, कॉलम नंबर दे दिया और वी लुकअप को कॉलम नंबर मिल गया तो डेटा मिल गया। अब इसको आगे ड्रैग करने के लिए हम बस फ्रीज करेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो वी लुकअप और मैच को जब एक साथ मर्ज करते हैं तो आपको एक पावरफुल फॉर्मूला मिल जाता है जिसमें कॉलम नंबर गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉलम का हेडिंग और डेटा के कॉलम का हेडिंग दोनों सेम होना चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो वी लुकअप सबको समझ में आ गया, वी लुकअप कैसे यूज होता है, किसी को डाउट वी लुकअप में? सर एक चीज और पूछा था कि जैसे दो बार अगर 113 आते हैं तो पहला ही ट्वाइस बार आते पहला हैं, पहला ही दिखाएगा। इसका आंसर वी लुकअप के डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है, जब वी लुकअप का डेफिनेशन देखेंगे ना तो वी लुकअप के डेफिनेशन में ही आपको दिख जाएगा। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है सर, एक ही दिखाएगा, दोनों नहीं दिखाएगा। बट अगर मेरे को दूसरा भी देखना है तो वी लुकअप के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ओके सर, अब बात ये जो दूसरा वाला वी लुकअप बताया वो कैसे बताया सर आपने, ये 107 वाले में जो वी लुकअप बताया आपने, कौन सा वी लुकअप, मतलब एक दूसरा वी लुकअप बताया ना सर आपने 107 वाले कॉलम में, रो में मैच था, वी लुकअप नहीं था, मैच 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 नहीं सर, ये मैच और इंडेक्स तो सर समझ गया, मैच वाला तो आता है सर, ये हाँ। एक वी लुकअप आपने दूसरा बताया ना सर आपने भी, ये दूसरे 107 वाले रो में बताया सर आपने, ये 8 जनवरी लिखा था। हाँ हाँ ये सर आपने, तो एक ही वी लुकअप, दूसरा वी लुकअप कहाँ है, एक ही वी लुकअप है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दूसरा कोई वी लुकअप नहीं होता है, वी लुकअप एक ही होता है और लगाने का तरीका भी सेम होता है, बस उसके अंदर जो हमारा जो कॉलम नंबर मैनुअली डालते हैं हमने उसके उसके कई सारे विकल्प बताए आपको। हमने क्या बताया, वी लुकअप लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, वर्किंग भी सेम है, सब कुछ सेम करता है। इसमें जो मैनुअली हम 2 3 4 5 डालते हैं उसके कई सारे तरीके बताएं कि आप ऊपर रोल नंबर यहाँ डाल दीजिए और उसको लिंक कर लीजिए। ये वी लुकअप से कंफ्यूज हो रहा है, नहीं वी लुकअप सीट का नेम है।
और सर ये जो आपने मैचिंग किया, हम कॉलम भी तो डाल सकते हैं सर, कॉलम वाला फॉर्मूला? कॉलम का फॉर्मूला डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये होगा कि कॉलम के फॉर्मूला में सीक्वेंस में होगा तभी डालेंगे ना, पता चला कि जोन यहाँ है, सोल्ड क्वांटिटी यहाँ है, डेटा में यहाँ पे कुछ और है, तो थोड़ी डाल सकते हैं कॉलम का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, समझ गए ना, कॉलम का फॉर्मूला नहीं डाल सकते। अब हम बात करते हैं एच लुकअप के, हम क्या बात करते हैं एच लुकअप के बारे में। देखिए मेरे पास डेटा वर्टिकली था, रो से बॉटम की तरफ था, तो हमने लगा लिया वी लुकअप का फॉर्मूला। एच लुकअप में मेरा डेटा हो गया चेंज, मेरा डेटा हो गया यहां इस तरह से। अब वी लुकअप तो लगेगा ना, क्योंकि वी लुकअप तो ढूंढता है कॉलन में, मेरे पास डेटा है रो में, तो यहां हमें अगर जोन चाहिए, जोन लिखा हुआ है, जोन चाहिए, तो मुझे लगाना होगा एच लुकअप का फॉर्मूला। एच लुकअप का फॉर्मूला बिल्कुल वी लुकअप की तरह ही चलता है। एच लुकअप हमने सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू, डेटा को सेलेक्ट किया कुछ इस तरह से, और कॉमा कॉलम रो इंडेक्स नंबर। अब जैसे वहां पे हमने कॉलम नंबर काउंट करके डाला था, इसमें रो नंबर काउंट करना जो कि है 7, और कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने नॉर्थ आ गया। अगर मैं 101 करूं तो ये देखिए नॉर्थ है, 102 करूं तो ईस्ट है। तो एच लुकअप का फॉर्मूला जस्ट लाइक वी लुकअप लगता है, बस लगाने का तरीका थोड़ा सा रिवर्स उल्टा हो जाता है। जैसे कि हम कॉलम बाई सेलेक्ट करते हैं वी लुकअप में, यहाँ रो बाई हो जाता है, वी लुकअप पे हम कॉलम नंबर देते हैं, यहाँ पे हम रो नंबर देते हैं, सिंपल। अब बात करते हैं एक्स लुकअप और मैच इंडेक्स फॉर्मूले की, एक्स लुकअप और मैच इंडेक्स फॉर्मूले। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि अगर आपका डेटा के अंदर आपकी जो आईडी है, जो यूनिक आईडी है जिसके बिहाफ पे ढूंढ रहे हैं, वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक डेटा आया जिसमें वो बीच में है। अगर मान लीजिए आईडी नंबर 109 का मुझे अगर सोल्ड क्वांटिटी, मुझे डिस्काउंट, प्रॉफिट जो भी चाहिए इससे आगे वाली, वो वी लुकअप ला सकता है, बट वी लुकअप पीछे का डेटा नहीं ला सकता, जैसे कि ऑर्डर वैल्यू नहीं ला सकता है, क्योंकि वी लुकअप कभी भी रिवर्स में नहीं ढूंढता है, वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम को लेफ्ट में ढूंढता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ढूंढता है। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है, इंडेक्स फॉर्मूला बोलता है कि तुम पूरी की पूरी डेटा सेलेक्ट कर लो और मुझे बताओ कि कौन से रो और कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। तो मैंने बोला कि रो नंबर, हमने इसको बोला कि रो नंबर 11 का और कॉलम नंबर 2 का डेटा चाहिए। तो इसने क्या किया, यहां से रो काउंट किया, काउंट करके रो नंबर 11 पे आया, रो इंडेक्स नंबर। इस 11 से इसका कोई मतलब नहीं है, इससे काउंट कर रहा है। अब मैं यहां से ऊपर एक एंट्री कर दिया, डेटा कर दिया ना सर, फिर भी 11 पे वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 से 1, 2 से नहीं काउंट कर रहा है, ये यहाँ से काउंट कर रहा है 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो ये रो नंबर जो आ रहा है इससे कोई लेना देना इसमें इंडेक्स मैच ऑफसेट में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसने 11 नंबर का डेटा दे दिया। अब मुझे अगर कुछ और चाहिए तो बस मुझे यहाँ अपना रो चेंज करना है, लेकिन मुझे तो 109 नंबर का चाहिए ना। अरे 109 कितना बोले हैं कि पहले टॉपिक खत्म होने दीजिए, तो आप लोग बीच में डिस्टर्ब कर, आप जो पूछने वाले हैं इसी में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सब कुछ इसमें है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समझिए। बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे इंडेक्स के साथ हमने लगाया तो रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमें वी लुकअप का अल्टरनेट ढूंढना हूं, वी लुकअप का अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेट। तो मुझे आज इस 11 को ऑटोमेट कर दे, ये 11 जो है इस 109 के अकॉर्डिंग मुझे अगर मिल जाता है तो मैच इंडेक्स फॉर्मूला जो है बिल्कुल वी लुकअप की तरह वर्क करेगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था मैच का, जो कि मैं थोड़ा देर पहले बताया, और मैंने यही चीज बताया कि मैच और मैच फॉर्मूला वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों चलता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ भी चलता है, रो में भी चलता है, कॉलम में भी चलता है। तो मैंने मैच फॉर्मूले में बोला कि 109 को ढूंढो किसमें, आईडी वाले कॉलम में, और एग्जैक्ट मैच करके दो, इसने ढूंढ के 11 दिखा दिया।
तो अगर मैं इस 11 को, इस मैच फॉर्मूले को इंडेक्स के 11 वाले जगह पे अगर डाल देता हूं तो क्या होगा? अब मैं यहां पे 110 डालता हूं तो 110 की वैल्यू आ गई, 101 डालता हूं 101 की आ गई, 105 डालता हूं 105 की आ गई। तो आपने देखा कि जब मैंने मैच और इंडेक्स को कंबाइन किया तो वी लुकअप जैसा फॉर्मूला मुझे मिला और वी लुकअप से बेटर मिला, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट मोस्ट कॉलम को ढूंढता है। ये आप किसी भी कॉलम को ढूंढवा लीजिए कि मुझे अगर कल के रेट में प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट में हम काउंट करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, और दो के जगह पे सात कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो वी लुकअप के जैसा काम किया। तो मैच और इंडेक्स समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? सर इसमें एक एक में पूछिए, एक एक बोलिए, एक एक करके पूछिए, बोले बोले भी साथ सर। मैं कहता कि अच्छा सर इसमें जैसे आईडी के साथ हमें लुकअप में मतलब सर वी लुकअप में हमने सर एक साथ पांच छह वैल्यू सिलेक्ट कर ली, ले लिया, इसके साथ अगर चार वैल्यू लेना हो हाँ तो ले सकते हैं ना, हमने पूरा के पूरा डेटा सिलेक्ट कर रखा है, बस कॉलम नंबर चेंज करते जाए लेते जाए। सपोज सर हमें जैसे इसमें आईडी के साथ साथ हमने हमने क्वांटिटी सोल्ड ले लिया, डिस्काउंट देना, प्रॉफिट लेना, तीनों हाँ, लेना तो कैसे लेंगे सर? वही तो चीज तो यहाँ भी है, हमने इंडेक्स फॉर्मूले में लास्ट में ये जो दो क्यों डाला है, क्या है ये दो? तो दो इसके ये दो कॉलम नंबर है ना हाँ, तो ऑर्डर वैल्यू के लिए अगर कल के रेट में मान लीजिए आपको सेल्स की वैल्यू चाहिए, सेल्स वैल्यू चाहिए, तो ये सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे और जहां पे हमने टू डाला है वहां पे थ्री हो जाएगा तो आपको सेल्स मिल जाएगा। मिल गया सर? एक साथ लेना तो कैसे हो गया सर? जैसे आईडी है और हमें सेल्स वैल्यू चाहिए और क्वांटिटी सोल्ड भी चाहिए, फिर कैसे होगा सर? तो दोनों मिल गया ना आपको, ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू क्वांटिटी सोल्ड मिल गया ना यहाँ पे, जितने वैल्यू चाहिए उतने कॉलम लगाइए। आपने वी लुकअप में जो बोल रहे हैं तो आप अलग अलग सेल में फॉर्मूला लगाए ना भाई, ऐसे यहाँ भी आपको अलग अलग सेल में फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, हेलो बोलिए। यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट साथ लगाया था ना सर, इसमें नहीं लगा सकते कर्ली ब्रैकेट? हाँ कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं इसमें भी, क्या दिक्कत है? जो एरर जो चीज वहां कर सकते यहाँ भी ट्राई करके देखिएगा। हाँ और किसी को डाउट है? सर मैं बोलूं? बोलिए। हाँ सर मैं कहता हूँ जैसे मेरे पास ये नंबर नहीं होते, जीएसटी नंबर है, उसमें क्या होता है कि अल्फाबेट भी आते हैं, टेक्स्ट भी आते हैं और नंबर भी आते हैं। देखिए ये नंबर से मतलब नहीं होता है, सेल वैल्यू से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये जीएसटी नंबर ले लीजिए, अपना गर्लफ्रेंड का नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेल वैल्यू टू सेल वैल्यू को मैच करता है, बट इकट्ठा एग्जैक्ट होना चाहिए। अब सोचिए कि वहां पे कुछ था यहाँ पे कुछ हो तो लोग अप नहीं करेगा। चलिए आगे, अब सर एक चीज हो रहा है सर इसमें कि जैसे मेरे को ये है कि मेरा जीएसटी नंबर भी गलत हो सकता है पर मेरा डेट सेम होगा जीएसटी नंबर के साथ साथ, तो मैं उन दोनों को मर्ज करके भी इसको लुकअप कर सकता हूं? दो दो चीज के बारे में बताते हैं, वेट कीजिए आगे का टॉपिक। और किसी को डाउट है इस फॉर्मूले से? कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। लेकिन सर आपने शीट में एक्स लिखा हुआ है सर, क्या आपने शीट में एक्स लुकअप लिखा हुआ है? हाँ, लिखा, मैच इंडेक्स लिखा हुआ, लिखा हुआ, इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे लिखा हुआ है, कुछ कारण से लिखा हुआ है सर। अब यहाँ पे ये चीज हो गई पहले से, अब जो हमने इंडेक्स लगाया, इंडेक्स में क्या हुआ कि हमें पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना, राइट तो एक फॉर्मूला और भी है हमारे पास, वो है ऑफसेट का। यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला, तो जैसे आप इंडेक्स यूज करते हैं ऐसे आप ऑफसेट यूज कर सकते हैं, बट ऑफसेट में वो बोलता है पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए नहीं बोलता है, वो सिलेक्ट करने के लिए बोलता है सेल वैल्यू।
ऑफसेट फॉर्मूला में हमें बस स्टार्ट ऑफ डेटा देना होता है कि आपका डेटा का स्टार्टिंग क्या है, उसके बाद दीजिए अपना रो नंबर जो कि हमारा मैच ने दिया है 7, और फिर दीजिए कॉलम नंबर। लेकिन ध्यान रखिएगा हमें -1 करना होगा क्योंकि ऑफसेट अपनी गिनती 0 से शुरू करता है, इंडेक्स अपना गिनती 1 से शुरू करता है, तो दोनों के बीच में 1 का फर्क होता है। अब जैसे मान लीजिए ऑर्डर वैल्यू चाहिए जो कि दूसरे नंबर कॉलम में पहला दूसरा, बट ऑफसेट बोलता है 1, क्यों? क्योंकि ऑफसेट बोला कि 0 एंड 1, तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो आप ऑफसेट और मैच को भी इकट्ठा करके यूज कर सकते हो, ऑफसेट और मैच फॉर्मूला अगर लगा देते हो यहाँ पे E6 की जगह पे, तो आपका भी जैसे ही यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करें। अब बारी आती है कि एक्स लुकअप क्यों लिखा हुआ है, अब इसके बारे में जान लीजिए कि अगर आपके पास है लेटेस्ट एक्सेल, आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो ये सब झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करें, आप यहां आप जो यहां पे जस्ट एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाए, एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू, फिर देना होगा कि एरे का इसमें किसमें ढूंढना है, इस आईडी को हमने बोला इसमें ढूंढना है, ओके। रिजल्ट किसका चाहिए, तो हमने बोला कि मुझे ऑर्डर वैल्यू का रिजल्ट चाहिए। अब आ रही थी, इसके बाद आती है सेल्स का, दोबारा बता रहा हूं एक्स लुकअप कि एक्स लुकअप लगाया हमने, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि भाई लुकअप करना है किसमें, तो आईडी में लुकअप करना है, और क्या रिटर्न करना है, तो सेल्स वैल्यू को रिटर्न करना है, एंटर कीजिए आगे रिजल्ट। तो वी लुकअप एक्स लुकअप वी लुक एक्स लुकअप जो है वी लुकअप को रिप्लेस करता है, एच लुकअप को रिप्लेस करता है, मैच इंडेक्स वाले रिप्लेस करता है, सबके लिए एक फॉर्मूला एक्स लुकअप काफी है। जैसे देखिए एच लुकअप था, मुझे जो यहां पे मान लीजिए कि मुझे पता करना है कैटेगरी, क्या पता करना है, कैटेगरी पता करना है, तो वी लुकअप तो नहीं लगा सकते बट एक्स लुकअप लगा सकते क्योंकि एक्स लुकअप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों चलता है। लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया 102 और सेलेक्ट कर लिया अपना डेटा, और हमने सेलेक्ट किया कि मुझे रिटर्न क्या चाहिए, रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए ये आपका कैटेगरी, सेलेक्ट कीजिए एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे आ गया आपका। बट उसमें वी लुकअप जैसा जो कर्ली ब्रैकेट है और जो कंसेप्ट है जो ट्रिक्स है इसमें नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं, उसे रेंज देना पड़ता है, बट बेटर फॉर्मूला। अब जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने यहां पर डाल दिया 60, अब 60 नहीं है तो वी लुकअप में ये एनए का एरर आया, अब मैं चाहता हूँ एनए के जगह पे ब्लैंक आए, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ता इफ एरर का फॉर्मूला, वी लुकअप के अंदर इफ एरर का फॉर्मूले के अंदर वी लुकअप को डालिए और बोलिए कि ब्लैंक। तो वी एरर का दो पार्ट होता है, पहले पार्ट में मैंने वी लुकअप के फॉर्मूला डाल दिया और दूसरे पार्ट में मैंने ब्लैंक को डाल दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो अगर एरर होगा तो ब्लैंक आएगा और रिजल्ट होगा तो रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक्स लुकअप में ये यहाँ पे लास्ट में एक कॉमा आता है, यहाँ आता है इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड में मैंने मान लीजिए दे दिया ब्लैंक, तो अब यहाँ ऑटोमेटिकली एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 60 करता हूँ तो देखिए एक्स लुकअप एरर दे रहा है, यहाँ देखिए ब्लैंक हो गया। तो एक्स लुकअप इफ एरर वी लुकअप विद इफ एरर को भी रिप्लेस कर देता है। एक्स लुकअप लेकिन लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है, इसलिए आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आजमा सकते हैं, नहीं तो जो हमारा मैच इंडेक्स चल रहा है या वी लुकअप चल रहा है, जो एच लुकअप चल रहा है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं ट्रिक्स की। 19 में आई थिंक होने चाहिए। अब बात करते हैं पैकेज है लेटेस्ट एक्सेल 2021। अब यहाँ पे बारी बात करते हैं कि मेरे पास कोई आईडी वाईडी नहीं है, मेरे पास दो है कि मुझे पूजा नोएडा में चाहिए, फिर पूजा जो है पुणे का चाहिए। यहाँ पे देखिए पूजा कई जगह, पूजा यहाँ नोएडा है तो मुझे नोएडा वाला पूजा चाहिए ना कि पुणे वाला पूजा। अब मैं पूजा के बिहाफ पे अगर वी लुकअप लगाऊंगा तो 23 दिखा देगा, 65 नहीं दिखाएगा क्योंकि वो पहला दिखाता है। तो मुझे दो दो मैंने कि दो वैल्यू को
देखना है, दो मेरे पास दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया को देखना है, उसके हिसाब से लुकअप करना है। तो यहाँ वी लुकअप में पॉसिबल नहीं है, वी लुकअप किसी भी कंडीशन में ऐसा चीज नहीं ले सकता है। तो हमने एक कॉलम इंसर्ट किया और उसमें हम दोनों को मर्ज कर देते हैं कि पूजा एंड पर्सन लगा के एक सेपरेटर दे देते हैं, डैश सेपरेटर देना जरूरी नहीं है बट दे दीजिए ताकि दिखेगा, समझने में आसानी होगी। बी टू कॉमा सी टू एंटरप्रेस कीजिए, नीचे की तरफ आइए, आ गया पूजा मोहन दिल्ली कविता नोएडा आ गया। अब यहां पे वी लुकअप लगाते समय लुकअप वैल्यू में भी आपको पूजा के साथ नोएडा को मर्ज करना होगा, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद कॉमा इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़िए, कॉमा फोर कॉमा जीरो, आप देखिए 65 आ गया। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है कि भाई फलाना फलाने में देखना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दो कंडीशंस को। अब क्वेश्चन आता है कि अधूरा है, जैसे कि जीएसटी में पूछा कि जीएसटी में कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे सुजीत कुमार है और मैं ढूंढ रहा हूं सुजीत को, मैं चाहता हूं कि अगर सुजीत पूरा ना हो, सुजीत कुमार पूरा ना हो, सुजीत भी हो तो लुकअप कर दे, कैसे लुकअप करेंगे? इसके लिए आपको जनरली बस वी लुकअप लगाना है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, जैसे वी लुकअप लगाते हैं वैसे लगाइए, टेबल को सेलेक्ट कीजिए कॉमा थ्री कॉमा जीरो, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए एन आया, जी हाँ एन आया क्योंकि एग्जैक्ट मैच हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार लगाएं दोनों तरफ तो ये हो जाता है कंटेन, देखिए मैच कर दिया सुजीत को। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टेक्स्ट अधूरा है तो कीजिए, अब गलत है उसमें नहीं कुछ कर सकता, ऐसा नहीं है कि अब 912 है तो 900 आपने 914 दे दिया तो लुकअप कर लेगा गलत है फिर भी नहीं, अब 912 है तो 900 हुआ तो लुकअप कर लेगा, 12 अपने आप लगा लेगा। तो ये आपका अधूरा के लिए कर सकते हैं कि मान लीजिए फुल नेम शॉर्ट नेम, फुल नेम शॉर्ट नेम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिटी है दिल्ली न्यू दिल्ली दोनों एक ही है तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टार दोनों तरफ आपने कंटेन लगा दिया तो होता है स्टार्ट सॉरी कंटेन, मतलब कि सुजीत कहीं भी हो, कुमार सुजीत हो, सुजीत कुमार सिंह हो या सुजीत हो सिर्फ, तो लुकअप कर लेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत और हमने यहाँ पे दिया स्टार्ट, ये हो गया एंड स्टार्ट विथ सुजीत, मतलब कि सुजीत से स्टार्ट होना चाहिए, सुजीत के बाद से सुजीत कुमार हो सुजीत सिंह हो, कुमार सुजीत को लुकअप नहीं करेगा क्योंकि कुमार सुजीत में सुजीत लास्ट में आ रहा है, फर्स्ट में कुमार आ रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टार और सुजीत कर दिया तो जो सुजीत से एंड होगा अब यहाँ पे सुजीत कुमार को लुकअप नहीं करेगा, सुजीत को करेगा या कुमार सुजीत को करेगा या सिंह सुजीत को करेगा, मतलब कि सेंटेंस जो जो है वो सुजीत पे आके खत्म होना चाहिए, सुजीत से आगे कुछ भी हो मतलब नहीं है, पीछे सुजीत ही रहना चाहिए, इसको एंड विथ हम कहते हैं। ओके एक कंटेन हो गया सर, ये वन किस कंडीशन में डालते हैं सर, जीरो के बाद वन जो आता है, बता रहा हूँ पेशेंस रखिए, आ रहा उसका भी बारी आएगा, ठीक है चलिए बता ही देता हूँ, कामा का आपका सस्पेंस क्यों रखूँ। चलिए ट्रिक्स फोर ही पहले बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने सेल्स लिया राइट और यहाँ पे नंबर्स लिया, आपको याद है जब मैंने इफ का फॉर्मूला बताया था तो ग्रेडिंग सिस्टम बताया था, याद है? तो सेम उसी तरह से मान लीजिए कि 0 to 40 है तो मैं 500 इंसेंटिव देना चाहता हूँ, यहाँ पे INC इंसेंटिव देना चाहता हूँ, 41 to 80 है तो मैं 1000 देना चाहता हूँ, 81 to 100 है तो मैं यहाँ पे 1500 देना चाहता हूँ, ग्रेटर देन 100 पे मैं यहाँ पे 2000 देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया था कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500 अगेन रीड करेंगे, तो ये झमेला करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने डेटा को एक सही फॉर्मेट में अरेंज कर लें, जैसे 0 41 81 सबका स्टार्टिंग पोजीशन 101। अब यहाँ हम वी लुकअप लगा सकते हैं, यहाँ हमने लगाया वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया डेटा को सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे दूसरे नंबर कॉलम चाहिए तो कॉमा टू कर दिया
और यहाँ अगर मैंने कॉमा जीरो किया तो आएगा रिजल्ट एन ए, क्योंकि 16 इसमें है ही नहीं, लेकिन मैं कॉमा जीरो के जगह पे कर देता हूँ 1, मतलब कि ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका रिजल्ट 500 आ गया। इसको बोलते हैं ग्रुप लुकिंग। उसने 16 को देखा कि किससे बड़ा और किससे छोटा है, किसके बिटवीन में है, और फिर उसने उसका रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया। समझे? अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 80-65 करता हूँ तो 1085 करता हूँ तो देखिए 1500, 109 करता हूँ तो 2000। तो वी लुकअप में 1 का यही रोल होता है जो आप लोग पूछ रहे हैं, ग्रुप लुकिंग के लिए। किसके लिए होता है? ग्रुप लुकिंग, नियरेस्ट लुकिंग के लिए इसको बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसके लिए लुकअप वैल्यू सिक्वेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 41 यहाँ भी लिखा हुआ है और इससे पहले 33 लिखा हुआ है तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिक्वेंस में स्लैब में इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। सर, कोई वैल्यू अगर माइनस में हो तो वो लुकअप करेगी क्या? वी लुकअप चलेगा उस पे? अब माइनस में 500 माइनस में यहाँ पे अगर देता हूँ, लेकिन देख ही लेता हूँ, मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, नहीं देखेगा क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे माइनस 100 से स्टार्ट करेंगे तो सो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लुकअप का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला लुकअप का होता है, इसमें लुकअप वेक्टर लिया आपने और आपने अपना रिजल्ट वेक्टर लिया, इंटरप्रेस कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ गया। लुकअप का बेनिफिट ये होता है कि हम इसके अंदर ही अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे कर्ली ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 0, 41, 81, 101, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट में रिजल्ट डाल दिया 500, 1000, 1500, 2000। कर्ली ब्रैकेट में हम दोनों रिजल्ट को सिमिलर डाल दिए सेम सिक्वेंस में, एंटर प्रेस कीजिए, लुकअप फार्मूला भी लुकअप दे देता है। तो वी लुकअप और लुकअप फार्मूला आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। समझ गए? अब ट्रिक्स 3 पे आते हैं। क्या बोल रहे? लुकअप वैल्यू क्या है सर? लुकअप वैल्यू जो आप ये लुकअप करना, लुकअप इसमें लुकअप वैल्यू जो हुआ जिसको लुकअप करना ढूंढ रहे हो 65 को, वो लुकअप वैल्यू होता है। अब पूरा वी लुकअप खत्म कर रहा हूँ, अब आपको लुकअप वैल्यू आप पूछ रहे हैं सर, तो दिल तोड़ने वाली बात हो गई। आप पहले एक एक करके रो सेलेक्ट करोगे, आपको किस में ढूंढना है और किसको रिजल्ट लेना है, दे दीजिए, या फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से लिख दीजिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे ट्रिक्स की। तीसरे ट्रिक में ये है कि मेरे पास रिपीटेड वैल्यू है। क्या है? रिपीटेड वैल्यू। अब जो पूजा है ना, कई बार रिपीट है, मुझे चाहिए कि पूजा जो है सारे पूजा की वैल्यू या ओम की वैल्यू जिसकी वैल्यू है वो सब कॉमा कॉमा करके आ जाए। जैसे ये 28, मैं यहाँ पे पूजा को लुकअप करता हूँ तो यहाँ पे 28 आ जाए कॉमा, नीचे पूजा 17 है 17 आ जाए, इस तरह से आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये चीजें तभी हो सकती जब आपके पास लेटेस्ट एक्सेल हो। पुराना एक्सेल हो तो इसके लिए वीवीएल लैंग्वेज के जरिए एक मैक्रो बनाना पड़ता है, अदरवाइज कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले के साथ कुछ ट्रिक्स कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट ज्वाइन लगाया, मैंने बोला कि मुझे दो वर्ड के बीच में मुझे कॉमा का सेपरेशन चाहिए, मुझे ब्लैंक को इग्नोर कर देना है, और फिर यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दीजिए कि इफ ए पूरा नेम को सेलेक्ट कर लीजिए, कि मैंने बोला अगर पूरा नेम जो है इक्वल टू पूजा है, हमने बोला कि पूरा नेम इक्वल टू पूजा है, तो फिर हमने पूरा का पूरा अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया कि पूरी क्वांटिटी रिजल्ट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ब्लैंक से होना चाहिए। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने। तो कैसे लगाया फॉर्मूला देख लीजिए। हमने सबसे पहले टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ दिया कॉमा, भाई मुझे दो दो नंबर के बीच में जो सेपरेटर चाहिए कॉमा चाहिए, और हमने टेक्स्ट ज्वाइन को बोला कि भाई इग्नोर कर दीजिए किसको, ब्लैंक को। उसके बाद यहाँ पे लगाया कि इफ
अगर पूरा का पूरा नेम का डेटा ले लिया कि एस ए टू से लेके A94 तक अगर पूजा है तो फिर हमने क्वांटिटी के दे दिया यहाँ पे। तो क्या कर फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है इसको चलते हैं फॉर्मूला एवलेट में समझते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आपके सामने आ गया कि साहब पूजा था, पूजा जहाँ जहाँ पूजा था वहाँ वहाँ इसने ट्रू कर दिया, और जहाँ जहाँ ट्रू था वहाँ वहाँ नंबर दे दिया, जहाँ जहाँ फॉल्स था वहाँ वहाँ ब्लैंक दे दिया। ये किसने किया? इफ ने किया। अब टेक्स्ट जॉइन को नंबर्स मिले हैं और ब्लैंक्स मिले हैं, और मैंने यहाँ ट्रू किया हुआ है मतलब कि इग्नोर द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक को इग्नोर करके सिर्फ नंबर्स को ही वो कंबाइन करेगा और ज्वाइन करके आपको इस तरह से दिखा देगा। बट टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला आपके पास होगा तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके पास नहीं है तो फिर इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मुझे लिस्ट में चाहिए कि मैं पूजा से फिल्टर लगाता हूँ, मैं ऐसे फिल्टर होके आना चाहिए कि भाई पूजा यहाँ पे मुझे दिख जाए या ओम दिख जाए, तो उस केस में उस केस में हमें क्या करना है? फिल्टर का फॉर्मूला लगाना है। किसका? फिल्टर। फिल्टर फॉर्मूला भी लेटेस्ट एक्सेल का ही पार्ट है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है अपना डेटा, डेटा सिलेक्ट कर लिया, फिर इंक्लूड मतलब कि किस में आप पूजा को मैच करना चाहते हो, तो नेम में, कि नेम इज इक्वल टू पूजा ए या ओम जो भी है, हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो आपके सामने आ गया कि ओम 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 उदयपुर उदयपुर डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पूजा तो पूजा का आ जाएगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ इंदु तो इंदु का आ जाएगा, तो इंदु 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 आ गया। तो फिल्टर को मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ कि शॉर्ट, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला के अंदर डाल देता हूँ और बोलता हूँ कि मेरा शॉर्ट जो है मुझे तीसरे कॉलम के पहला दूसरा तीसरे कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए, और असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहिए, मतलब असेंडिंग चाहिए। तो ये वैल्यू के क्वांटिटी के हिसाब से डेटा शॉर्ट होके आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह का फिल्टर और शॉर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब लास्ट एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास जो है D1 और D2 है, राइट? कि पहले मेरा डेटा जो है 11 से 21 तक जो है D1 सीट में है, और आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक D2 में है। मतलब जिस वैल्यू को मैं लुकअप करना चाहता हूं मुझे पता नहीं कौन सीट में, दोनों में से किसी सीट में हो सकता है, तो कैसे करें? वी लुकअप कभी भी दो सीट से डेटा नहीं लुकअप करेगा, लेकिन मुझे करना है तो हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैंने एक वी लुकअप का डेटा लगाया कॉमा 2 कॉमा 0, ये देखिए आप n आ गया। फिर मैं दूसरे शीट का वी लुकअप लगाऊंगा और दूसरा शीट को सेलेक्ट करूंगा और कॉमा 2 कॉमा 0, एक सीट में डेटा आया, एक सीट में आपको डेटा नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं दो अलग अलग कॉलम नहीं रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं दोनों फॉर्मूला एक ही कॉलम में आना चाहिए। कैसे आएगा? हाँ, उसका तरीका है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ एक इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ एरर में दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब दोनों वी लुकअप जो है हम इफ एरर के अंदर डाल देंगे। इफ एरर के अंदर दोनों वी लुकअप को डाल देंगे कि बी टू को यहां रख दिया कॉमा, तो इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें इक्वल कॉपी कर लिया, और दूसरे वीलुकअप को भी मैंने कॉपी किया इसके अंदर पेस्ट कर दिया। एक साथ लगा दीजिए या आप अलग अलग लगा के मर्ज कर लीजिए, मतलब इफ एरर में ही हमने दोनों वीलुकअप को डाल दिए और दोनों वीलुकअप के एड्रेस को हमने फ्रीज कर दिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब 16 नंबर नहीं है, नंबर होने चाहिए ना A1 से 12। सॉरी, यहाँ 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 गड़बड़ था, यहाँ कॉमा डल गया था, कॉमा नहीं डला था, 20 हो गया था। अब आएगा बिल्कुल आगे। तो ये थी हमारी वी लुकअप की, लुकअप कंसेप्ट थी। बस इसको अगर दो आज की क्लासेस की वीडियो को 2-3 बार देखिए
और फाइल जो मैं भेज रहा हूँ इस फाइल पे जिसमें से मैंने किया है उसे करके देखिए, उसके बाद आपको वी लुकअप समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। एम लुकअप का एम लुकअप नाम दिया हुआ मल्टी सीट वी लुकअप, एम लुकअप फॉर्मूला थोड़ी है सर। सर ये दो सीट से आप वैल्यू ले रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, हमने दो वी लुकअप इफ एरर के अंदर में डाल दिया, दो सीट से वैल्यू ले रहा है। मतलब लुकअप आईडी एक ही है, वैल्यू दो सीट से ले रहे हैं आप है? जी हाँ जी हाँ, हमने दो नहीं, हमने दो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक वी लुकअप सीट वन से ले रहा है, एक वी लुकअप सीट टू से ले रहा है। और लुकअप हमारा सिर्फ आईडी है, अगर हमारा लुकअप चेंज हो मतलब एक बार आईडी से हमें लेना है और एक बार किसी और वैल्यू से लेना, तो भी हम इफ एरर लगा सकते हैं सर? जी हाँ लगा सकते हैं, ट्राई कीजिए पता चल जाएगा। सर यदि इसमें एरर नहीं आएगा तो फिर वो दूसरे लुकअप पे तो जाएगा जी ना? नहीं नहीं जाएगा, पहले ही दिखाएगा, डेटा पहले में मिल गया दूसरा कौन ढूंढेगा वो? ठीक है अरे जो वो आपने एक्स मैच बताया था और मैच इंडेक्स दोनों को में क्या क्या फर्क आ जाएगा? एक्स मैच नहीं, एक्स लुकअप बताया था, एक्स लुकअप, एक्स लुकअप और मैच। देखिए एक्स लुकअप फॉर्मूला लेटेस्ट एक्सेल का है, अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो इसी को यूज कीजिए, इसको मत यूज कीजिए, ये तो पुराना था, जुगाड़ था, मैच इंडेक्स तो जुगाड़ था ना हमारा सर। अब मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मूला आ गया तो मैच इंडेक्स क्यों यूज करेंगे? चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत होगी तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? उस दिन डैशबोर्ड में सर वो बताया था कि स्लाइसर को हम कर सकते हैं, मेरे एक्सेल में वो स्लाइसर नहीं आ रहा सर। मैंने आपको बोला स्लाइसर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा, स्लाइसर जो है 2013 से है। सर स्लाइसर तो आ रहा है लेकिन आपने फॉर्मेटिंग करी थी ना, वो कैसे स्लाइसर पे क्लिक करके डीप वेयर में क्लिक कीजिए, स्लाइसर पे क्लिक कीजिए ऊपर स्लाइसर का दिख जाएगा, वो नहीं आ रहा सर, वो क्या ऐड? नहीं नहीं स्लाइसर पे क्लिक करते ऊपर स्लाइसर फॉर्मेट आ जाता है, फोटो खींच के भेजिएगा, जब यूज कीजिएगा फोटो खींच के भेजिएगा, फोन कीजिए बता दो, ठीक है? जब प्रॉब्लम आती है तो फोटो क्यों नहीं खींच के भेज देते हैं मुझे आप? अच्छा ठीक है सर, भेजता हूँ। ओके बाय।